रीना हिमाचली में आपका स्वागत है। खैर आप बोलियो। हाँ वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग को लेके। तो ये देखिए गाइज, मैं आई हूँ अपने मायके। तो ये है मेरा भाई, ये मेरा छोटा भाभी भाई, ये मेरा छोटा भाई है और ये मेरी छोटी भाभी है। छोटी भाभी है और ये भाई के घर है। मैंने अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी सी इसकी, उनकी किचन वगैरह दिखाऊंगी। त्रिशा जी बोल रहे थे कि किचन दिखाओ, तो मैं थोड़ी सी किचन दिखाऊंगी। और ये मेरे पापा है यहाँ पे। हाय, ये देखिए गाइस मेरे पापा है मेरे साथ। ये हमारा बापू है। हाँ अभी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, मायके का सब कुछ दिखाएंगे। तो बताना गाइस मेरे पापा कैसे लगे आपको। तो चलिए मिलते हैं आगे। थोड़ा सा आपको घर का दिखा दूँ, मेरे छोटे भाई का घर दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइज, थोड़ा सा आगे का फ्रंट दिखा रही हूँ अभी आपको। मैं जल्दी जल्दी मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ, पर अब दूसरी बार आऊँगी तो दिखाऊँगी आपको। ये रहे इसके कमरे अंदर को, और ये रहा किचन, और ये लैट्रिन बाथरूम है। यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बनाया है। भाभी मेरे कपड़े धो रही है अभी, अंदर मशीन चली है। और ये देखिए गाइज, आज का हमारा मौसम ऐसा है हिमाचल का, काफ़ी धूप खिली है। और पार्क को देखिए, ये हमारा नेशनल हाईवे है। और जो आपको लंबा सा पिलर दिख रहा है ना गाइज, ये है 4 लाइन का पिलर बना है। इतने ही दूर तक आएगी ये हमारे जो 4 लाइन बने हैं। और चारों तरफ से बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। और आज बारिश के बाद ना ये धरती बड़ी सुंदर सी लगती है, साफ सुथरी लगती है। और ये मेरे बड़े भाई रहते हैं पार्क। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको, थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। मतलब यहीं पे मेरा दूसरा भाई है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ना ये जो पार्क गांव दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मेरा दूसरा भाई है, बड़े वाला, मेरे से बड़े वाला भाई है। उसके मकान है ये। तो गई थी मैं, पर मैंने वीडियो शूट नहीं की, पर अब जाऊंगी तब दिखाऊंगी आपको। और जो ये 4 लाइन दिख रही है आपको, ये है शिमला के लिए, सोलन टू शिमला, मतलब चंडीगढ़ टू शिमला, ऐसे 4 लाइन बन रही है। तो काफ़ी नुकसान हुआ है। ये 4 लाइन का पिलर है गाइस, ये ना काफ़ी दूर से दिखा रही हूँ मैं, पर थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये काफ़ी लंबा हाइट पे ये है ना, काफ़ी लंबी हाइट है इसकी, है ना पापा जी? 200 फुट हाइट है इसकी। अच्छा, 300 फुट की हाइट पे बोलते मेरे पापा बता रहे हैं। और ये देखिए गाइस, पार्क को ना घर के साथ वाली तरफ से दिखा रही हूँ मैं आपको। ये काफ़ी बड़ा कीवी का प्लांट है हमारे, मेरे मायके वाले का ही है ये कीवी का प्लांट भी ना। तो ये काफ़ी बड़ा है, इसमें कीवी भी लगे और कुछ सेबों के पौधे भी लगे हुए हैं। तो मैं काफ़ी दूर से दिखा रही हूँ, इन्होंने घर डाले हुए, जो कीवी की देख रेख करते हैं उनके ये घर डाले हुए हैं। और चारों तरफ हरियाली है। थोड़ी सी वीडियो शूट करूँगी मैं। और ये मेरे दूसरे भाई ने, मतलब चाचा के लड़के का घर है पाली साइड को, ये चाचा के घर का के लड़के ने बनाया है, पर अभी इनका रहन सहन नहीं है इसमें। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे ना पार्क दिखा देती हूँ मैं आपको। ये एक तरह का क्या नाम, जैसे देवता होता ना, तो हमारे पड़ोसियों का देवता है हमारे, इसे गड्ढा बोला जाता है, पर मुझे पता नहीं कि मेन इसको क्या बोलते हैं, पर बाबा बलि, हाँ बाबा बलि का स्थान है, पर हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसे गड्ढा बोला जाता है। बाबा बलि का स्थान है ये। और ये देखिए गाइस, ये है क्या है पापा जी, ये केनिया पौधा, किन्नू है। जूम करके दिखा देती हूँ। अच्छा, नीचे को जो है ना, ये है किन्नू का पौधा। तो किन्नू भी लगे हुए इसमें, बड़े छोटे छोटे से किन्नू लगे हैं। ये देखिए गाइस, दिख नहीं रहा इतना ना, पर छोटे छोटे किन्नू लगे हुए इसमें। और ये है अखरोट का पौधा, ये वाला क्या, पीकानेट कागजी अखरोट बोलते हैं जिसको। ये है अखरोट का पौधा लगे इंदे, पता नहीं इसमें भी थोड़ा कम लग रहे हैं ना फलवा, इस बार पैदावारी काफ़ी कम है, दिख नहीं रहेगा इसमें।
ये देखिए गाइस किचन की सैर करवाती हूँ। ये रहा चूल्हा हमारा, तो आज चूल्हे पे खाना बनाया है मेरे भैया ने। मेरी भाभी आउट ऑफ किचन थी तो हमारे किचन में नहीं आते ना, लेडीज जब आउट ऑफ किचन रहते हैं। तो ये आज भाई ने खाना बनाया है हमारे लिए और मैं आपको इसकी किचन दिखा देती हूँ। तो किचन इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई है, चारों तरफ ऐसी ऐसी टाइलें लगाई है। गाइस मुझे बताना आप कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगे, मेरे भाई के घर आपको कैसे लगे। तो इन्होंने कुछ ऐसे गैस वगैरह रखी है और ये नीचे के रैक बनाए हैं और ये इन्होंने फ्लोर टाइल्स वगैरह ऐसे लगाई है। और चलें ऊपर के और ऊपर के रैक भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने बर्तन को लटकाने के लिए, जैसे छोटे बर्तन होते हैं ना कुकर के ढक्कन वगैरह या छोटी कुछ भी, ऐसे इन्होंने यहाँ पे लगाया है। और ये इनका रैक वगैरह है, गिलास वगैरह रखे हैं। और ये देखिए गाइस इन्होंने ऊपर वाला भी ऐसे बनाया है, बड़े सुंदर सुंदर से रैक बनाए हैं इन्होंने। ये देखिए गाइस आलू ले बनाते हैं। गेठी तो बना, गेठी तो दिखा तेरी जो गेठी बनाई है देखो। अच्छा फिर रुकना भी। ये देखिए गाइस अब आई हूँ मैं रूम में, अब दिखा देती हूँ रूम अपने भाई के। तो ये इन्होंने ना यहाँ पे एक सिंगल दीवान बेड लगाया है, साथ में सोफे लगाया है। और रुक एक रूम ये रहा, दूसरा रूम दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस इन्होंने ना ये यहाँ पे दूसरा रूम है इनका, बच्चों का रूम है। तो इग्नोर मारिएगा जो आपको दिख रहा है गाइस, ये बच्चों के काम है। और ये इन्होंने यहाँ पे भी सुंदर सुंदर सी अलमारी बनाया है, रैक कपड़े वगैरह रखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर से बनाए हैं इन्होंने। गाइस अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए गाइस अब आ चुके हैं हम दूसरे रूम पे। तो यहाँ पे इन्होंने बेड लगाया है, ये मेरे भाई भाभी का रूम है। मेरी भाई भाभी की जब शादी हुई थी उनकी फ़ोटो है। और ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए गाइस शादी के टाइम की इनकी फ़ोटो है जो कि शिमला में शूट की गई है। ये घूमने गए थे तो यहाँ पे शिमला से आए थे तब ये फ़ोटो बनाई है इन्होंने। कुछ ऐसा है रूम। और ये मेरी भाभी ने खुद बनाती है, मेरी भाभी ऐसी ऐसी चीज़ें। ये देखिए गाइस मेरी भाभी ने हाथों से बनाए हैं इतने सुंदर सुंदर। ये मेरी भाभी के हाथ की कलाकारी है, कर रहा सीधा करें नहीं। ये देखिए मेरे भाभी के हाथ की कलाकारी है, मेरी भाभी ऐसे ऐसे काम खुद करती है। और गाइस ये दिखा देती हूँ इनके बच्चों की क्लिप में आपके। इनके तीन बच्चे हैं, दो बेटी हैं एक बेटा है। तो ये बच्चों की इन्होंने कुछ ऐसे फ़ोटो बनाई है। ये देखिए गाइस ये भी बनाया है हाथों द्वारा, बनाया है मेरी भाभी ने। ये मेरी भाभी है धाठू वाली इन्होंने बनाया है ये सारा कुछ। अब अंधेरा आ गया जाते यहाँ पे, पहला बढ़िया लग रहा था। हाँ लाइट चलानी थी। ये देखिए गाइस ये मेरी भाभी के हाथों का बना है सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे काम करती है मेरी भाभी।